नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। मैं ना बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक मिस्टर बीस्ट के बारे में ना एक फुली स्टोरी बनाई जाए, बट आज ना मैं कुछ शॉर्टकट में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग नोटिस करिएगा, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा मतलब फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छी लोकेशन नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं, जो बहाने मारते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। आप स्टार्ट करिए। अब मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट ने जब स्टार्ट किया था, उनके पास एक नॉर्मली फ़ोन था, फ़ोन से स्टार्ट किया और आज उनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि, और वीडियो में जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास कंटेंट नहीं है या तुम्हारे पास कुछ कंटेंट दिखाने के लिए, तो मिस्टर बीस्ट का मैं बता दूं, मिस्टर बीस्ट ने जो वीडियो स्टार्टिंग में बनाया ना, उनके पास भी कंटेंट नहीं था। उन्होंने क्या चीज़ें दिखाई कि एक प्लास्टिक की कुर्सी को प्लास्टिक के चाकू से काट लिया, वही शूट कर दिया, वही चीज़ें दिखा दी, मतलब इस तरह से पूरी पूरी मूवी पढ़ ली, लाइव स्ट्रीमिंग में 10-10 घंटे बैठे रहे, मतलब ये चीज़ें दिखा के भी उन्होंने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स, समझ सकते हैं कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड ये सोच के। तो ऐसी चीज़ें मतलब मिस्टर बीस्ट ने कर ली, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इंडिविजुअल क्रिएटर में से सबसे टॉप क्रिएटर्स में से वो आते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे हैं, कैरी मिनाटी हुए, भुवन बाम हुए और टेक्निकल गुरुजी हुए, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मतलब आउट ऑफ कंट्री के हैं वो इंडिविजुअल क्रिएटर में से पहले हैं जिनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो उन्होंने भी 100K सब्सक्राइबर्स यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने फ़ोन से ही किए थे। ना उनके पास कैमरा था, ना अच्छा ट्राइपॉड था, ना अच्छी लोकेशन थी, फिर भी उन्होंने किए। तो हम लोग अगर इस इंतज़ार में बैठते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छा दिखाने को नहीं है, तो जब अच्छा होगा तब हम दिखाएंगे, तो आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। आप लोग उठिए आज ही, मतलब तैयार हो जाइए आज ही, जो है आपके पास जैसे भी है नेचुरली लोगों के सामने आइए, लोग आपको नेचुरल देखेंगे, बहुत पसंद करेंगे। और ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया है। और मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचूंगा और मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छी लोकेशन के साथ और बहुत अच्छे सेटअप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।